Welcome back to everybody. I am welcoming all of you in my science lecture. So, how are you all? Hope you all are fit, fine and healthy. कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? I believe पढ़ाई चल रही है सातवें आसमान पर. Okay? So, हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था. हमने बहुत कुछ सीखा है ये चैप्टर में. We did balancing of chemical equation. फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन इफ फ्रैक्शन कम्स. अगर आपको कोई फ्रैक्शन से इक्वेशन बैलेंस करना है तो आप कैसे करोगे, ये सब कुछ मैंने आपको बहुत पहले लेक्चर में सिखाया था. वी हैव डन मोनो एटॉमिक आयंस, पॉली एटॉमिक आयंस, राइट. उसके ऊपर से केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग इसका रिवीजन भी करते होंगे रेगुलर बेस पे. ओके, तो हमारा समझो 55-65% चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है. सो नाउ नेक्स्ट 35-40% ही हमारा बाकी है, तो ये 2 या 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा. सो आवर टुडेज सेशन एंड द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन इज हाउ कैन वी मेक chemical reaction more informative? How can we make chemical reaction more informative? Chemical reaction या chemical equation आपने लिखा है तो उसके आप ज्यादा से ज्यादा informative कैसे बना सकते हो, ये हमारा आज का पहला topic है. तो इंफॉर्मेटिव बनाने का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग दैट यू आर मेकिंग द केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव, उसका मीनिंग क्या. तो समझो कोई बच्चा 9th, 10th या 11th, 12th में पढ़ रहा है तो उसको तो केमिकल रिएक्शन देख के ही पता चल जाएगा कि ये क्या कहना चाहते हैं. लेकिन अगर कोई समझो कि नॉन साइंस वाला लड़का है या फिर किसी ने बहुत पहले पढ़ाई छोड़ दी है, 15-20 साल पहले ही उसका खत्म हो गया पढ़ना, और आफ्टर 15-20 ईयर्स ही इज जस्ट ऑब्जर्विंग और गो थ्रू दिस इक्वेशन, तो उसको भी किसी को पूछे बिना समझ में आ जाए कि हाँ ये इक्वेशन से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, राइट. किसी थर्ड पार्टी की यूज या हेल्प बिना उसको इक्वेशन देख के ही पता चल जाए कि ये इक्वेशन से सामने वाला कुछ ये कहना चाहता है, तो दैट इज कॉल्ड टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव. किसी को पूछना ना पड़े कि भाई टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, कैटलिस्ट क्या है, इसमें कौन सा सॉलिड है, इसमें कौन सा लिक्विड है, सब कुछ इक्वेशन के अंदर ही लिखा होगा, तो उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन या फिर इन्फॉर्मेटिव केमिकल रिएक्शन. ओके, तो हम कैसे इसको इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ पॉइंट्स. We can use symbols like S, L, G and AQ for solid, liquid, gas and aqueous solution, right? अगर आप कोई फॉर्मूला लिखते हो और फॉर्मूला के नीचे आप एस एल ए क्यू जी आप ऐसा लिख दो तो सामने वालों को समझ में आ जाएगा हाँ भाई इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड है या फिर लिक्विड है. हमने आगे ही ऐसा एग्जाम्पल लिखा था, राइट. तो एन है सोडियम मेटल, सॉलिड होती है, आप उसको पानी में डालते हो मतलब लिक्विड, तो क्या बनेगा एन ए ओ एच, उसको बोलते हैं एक्वियस और लास्ट में बनेगा हाइड्रोजन गैस. ओके, हाइड्रोजन गैस. अभी इसको बैलेंस कैसे किया था, यहाँ पे 2 रखूंगा तो 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, तो ये 2 ऑक्सीजन, 2+2 4 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन, और ये 2 सोडियम, तो ये हो गया 2 सोडियम. ओके, तो देखो ये इक्वेशन आप किसी को भी बताओगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वियस है. ओके, तो पहली तो चीज ये हो गई कि इस तरह से बाय यूजिंग सिंबल्स वी कैन मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव. उसमें सेकेंड पॉइंट है, इफ
इफ, ध्यान से पढ़ जाना, इफ प्रेसिपिटेट, इफ प्रेसिपिटेट, इफ प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग chemical equations or chemical reaction, then it is shown by a down arrow. अगर chemical equation में precipitate produce होता है, मैंने दो तीन बार आगे भी बताया है, precipitate क्या होता है, it is the solid substance which is produced during the chemical reaction. और जो कभी इक्वेशन सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं होता उसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट. ओके, तो इफ द प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन देन इट इज शोन बाय विच एरो, डाउन एरो. सो आई कैन गिव यू वन एग्जांपल ऑफ दिस. समझो मेरे पास है सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन. आई हैव व्हाट, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3. मैं उसके अंदर डालता हूं कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड. तो सॉलिड फॉर्म में होता है पाउडर. तो क्या होगा देख लेना, ये और ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके Ag और Cl, दोनों एक दूसरे के साथ बनाएंगे AgCl, और Na और NO3 बनाएंगे नैनो का तीसरा मॉडल NaNO3 सोडियम नाइट्रेट. राइट, ये भी ब्रेक होगा और ये भी ब्रेक होगा. तो Ag और Cl मिलके क्या बनाएंगे, AgCl, और NaNO3 आपको सॉल्यूशन में मिलेगा. ओके, तो ये रिएक्शन में जो AgCl है, AgCl दैट इज प्रेसिपिटेट, और उसके नीचे हम डाउन एरो करेंगे या फिर सॉलिड लिखो, दोनों करने की जरूरत नहीं है. अगर आप डाउन एरो करते हो, इफ यू आर डूइंग डाउन एरो, तो फिर आपको सॉलिड लिखने की जरूरत नहीं है. राइट, या फिर सॉलिड लिखो या फिर डाउन एरो लिखो. डाउन एरो करने का फायदा क्या है कि अगर पेपर चेक करेगा तो उसको पहले यही दिखेगा डाउन एरो, तो उसको समझ में आ जाएगा, हाँ भाई ये लड़के को या लड़की को पता है कि ये प्रेसिपिटेट है, तो इट विल क्रिएट योर गुड इंप्रेशन. हालांकि ये बहुत ओल्ड फैशन है, डाउन एरो इज द ओल्ड फैशन, बहुत पहले सभी टीचर्स या फिर पेपर चेकर डाउन एरो को मेन इंपॉर्टेंस देते थे. लेकिन अभी लेटेस्ट फैशन में तो क्या है कि डाउन एरो करो या ना करो, सॉलिड लिखो तो खत्म हो जाएगा. लेकिन डाउन एरो इट क्रिएट्स एम्फेसाइज, वो सामने वाले को एम्फेसाइज करेगा, हाँ भाई ये प्रेसिपिटेट ही है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग डाउन एरो. राइट, तो डाउन, ये इक्वेशन में कुछ नई चीज आ गई, आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो ये इक्वेशन को मोर अट्रैक्टिव और इंफॉर्मेटिव बनाता है. तो अगर प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होगा तो हम उसको कैसे बताएंगे, बाय डाउन एरो. ओके, सो थर्ड पॉइंट, इफ द गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन देन इट इज शोन बाय अपवर्ड एरो. अगर केमिकल रिएक्शन में गैस प्रोड्यूस होता है, गैस, तो हम उसको कैसे बताएंगे, अपवर्ड एरो से. तो अगर कोई मेटल को पानी के साथ रिएक्शन करवाओगे तो डेफिनेटली गैस प्रोड्यूस होगा. अगर आप मेटल की पानी के साथ रिएक्शन करो या फिर एसिड के साथ रिएक्शन करो, वो इजी पड़ेगा. चलो हम किसी मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो डाइहाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा. समझो मेरे पास है मैग्नीशियम, यू नो मैग्नीशियम इज अ सॉलिड मेटल. हम रिएक्शन करते हैं उसकी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. किसके साथ हमने रिएक्शन की, उसकी सल्फ्यूरिक एसिड, AQ मतलब एक्वियस. तो यहां से H2SO4 ब्रेक होगा और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा. कौन सा गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन. और Mg और SO4 दोनों एक साथ मिलके बनाएंगे MgSO4. क्या बनाएंगे, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट. MgSO4 बनेगा और डाइहाइड्रोजन रिलीज होगा. तो हमें मालूम है कि हाइड्रोजन तो गैस है, तो उसके बाजू में हम क्या करेंगे, अप एरो.
अगर आप अप एरो करते हो तो गैस लिखने की जरूरत नहीं है, आप गैस भी लिखोगे और अपवर्ड एरो भी करोगे तो दोनों का मीनिंग एक ही होता है। मतलब कोई टीचर मार्क्स नहीं काटेंगे कि आपने गैस भी लिखा है अपवर्ड एरो भी किया है, नो प्रॉब्लम। तो लेकिन गैस लिखो या फिर अपवर्ड एरो लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है, राइट। तो अगर रिएक्शन में गैस प्रोड्यूस होता है तो हम उसके बाजू में कौन सी साइन करेंगे, अपवर्ड एरो, राइट। तो मैंने हाइड्रोजन के बाजू में, बहुत दूर भी नहीं करनी चाहिए, नजदीक करो साइन, तो हाइड्रोजन के बाजू में मैंने अपवर्ड एरो कर दिया और ऊपर HgCl के बाजू में मैंने डाउनवर्ड एरो कर दिया, राइट। तो मैंने इस तरह से केमिकल इक्वेशन को मोर एंड मोर इंफॉर्मेटिव बनाने का ट्राई किया है। हालांकि आई हैव 5 पॉइंट्स, अभी मैं 2 पॉइंट लिख रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन क्या था, मतलब टॉपिक ऑफ डिस्कशन, हाउ कैन वी मेक द केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव। तो पहला पॉइंट ये था कि वी कैन यूज सिंबल्स, लाइक आपको मालूम ही है सिंबल बहुत बार किए हैं बैलेंसिंग में, सॉलिड लिक्विड गैस एक्वायस और एक्वियस, राइट। फिर अगर प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो तो डाउन एरो करो, अगर गैस प्रोड्यूस हो तो अप एरो करो, ओके। नाउ द फोर्थ पॉइंट ऑफ डिस्कशन, वी कैन राइट द कंडीशन लाइक टेम्परेचर, लाइक प्रेशर, लाइक कैटलिस्ट क्या होता है मैं समझाऊंगा अभी। वी कैन राइट द कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट ऑन एरो टू शो कंडीशंस। मतलब कोई भी रिएक्शन ऐसे ही नहीं होता, उसके लिए कंडीशन चाहिए कि हाँ भाई इतना टेम्परेचर या इतना प्रेशर होगा तभी ये रिएक्शन होगा। प्रेशर आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में आई गेस आता था, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज बार, आप फिजिक्स में भी पढ़े थे और आप केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में भी प्रेशर के बारे में पढ़े थे, बार इज द प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, ऐसा सब कुछ आपने पढ़ा था, राइट। तो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, सी आई हैव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, आई हैव व्हाट, कार्बन, सी और वो दोनों कैपिटल है इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, आप उसकी रिएक्शन कर रहे हो हाइड्रोजन गैस के साथ, यू आर डूइंग रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विथ डाई हाइड्रोजन गैस। अगर आप प्रेशर 340 एटीएम करते हो, 340 एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो डेफिनेटली बनेगा CH3OH। क्या बनेगा? CH3OH का नाम है मीथेनॉल। क्या नाम है? मीथेनॉल या फिर मिथाइल अल्कोहल, मीथेनॉल या फिर उसका नाम क्या है? मिथाइल अल्कोहल, राइट। तो ये रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे 3+1 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे मैं 2 रख दूंगा, तो 2 × 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, राइट। तो हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए अभी तक, एक सॉलिड लिक्विड एक्वियस वाला टॉपिक, फिर आप डाउन एरो कर सकते हो प्रेसिपिटेट को एम्फेसाइज करने के लिए, एंड देन गैस को बताने के लिए आप अप एरो कर सकते हो। और फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा कि अगर टेम्परेचर, प्रेशर ये सब कुछ बताना है तो आप एरो के ऊपर लिख दो कंडीशन। अभी ये कैटलिस्ट क्या होता है, व्हाट इज कैटलिस्ट? सी कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द इक्वेशन। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन but it makes the reaction fast. Catalyst is a substance which is not participating in the chemical reaction but it makes the reaction fast. मतलब उसकी presence से reaction fast हो जाएगी, right? ये example दूँ आपको, बहुत easy example, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये गुजराती लोग होते हैं ना, मतलब इंडिया में बहुत कुछ लोग एक डिश खाते हैं, ये प्रॉपर गुजराती डिश है जिसको बोलते हैं हांडवा। हांडवा इज अ गुजराती डिश। अगर आप हांडवा घर पे बनाते हो तो हांडवा के लिए स्पेशल एक कुकर आता है और वो कुकर के अंदर डो डालना होता है, डो, राइट। तो डो डालने के बाद आप डायरेक्ट उसको गैस के ऊपर नहीं रख सकते, पहले क्या एक प्लेट आती है जिसके बीच में होल होता है और वो प्लेट की साइज हांडवा की कुकर की साइज जितनी होती है,
और उसके अंदर सैंड रखते हैं, सैंड रेती, सैंड सैंड डालते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, गैस के ऊपर सैंड वाली प्लेट डालेंगे और फिर उसके ऊपर हांडवा का कुकर रख देंगे, तो रेती गर्म होगी और रेती के गर्मी के कारण वो हांडवा पकेगा। तो अगर हांडवा का टेस्ट करोगे तो उसमें रेती या सैंड का टेस्ट नहीं आएगा। ओके, तो रेती या सैंड क्या है हमारे लिए, कैटलिस्ट। तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन वो रिएक्शन को क्या बनाएगा, फास्ट बनाएगा। ओके, तो उसको बोलते हैं क्या, कैटलिस्ट, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। ओके, तो हमने, मैंने आपको टोटल 4 पॉइंट एक्सप्लेन किए, अभी और एक पॉइंट है मेरे पास। तो आई एम डिस्कसिंग द लास्ट पॉइंट कि भाई आप कैसे इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। उसके लिए मेरे पास एक लास्ट पॉइंट है, तो लास्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, इफ एनर्जी, एनर्जी मतलब हीट एनर्जी, एनर्जी का मतलब क्या होता है, हीट, तो यहां पे हीट लिख दूं। इफ है हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, देन इट इज डिनोटेड बाय प्लस हीट ऑन राइट साइड ऑफ एरो। क्या लिखा है मैंने, इफ द हीट एनर्जी इज इवॉल्व, मतलब हीट प्रोड्यूस हुई ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, दैन इट इज डिनोटेड बाय हीट प्लस हीट ऑन राइट साइड ऑफ एरो। राइट साइड ऑफ एरो मतलब प्रोडक्ट साइड, दैट इज उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। तो उसका एग्जांपल मैं आपको दूं, कंबशन ऑफ कोल। क्या कंबशन ऑफ कोल, मतलब कार्बन ही होता है उसके अंदर और आप उसका कंबशन करते हो। बहुत बार बोला है कि कंबशन इज ओनली पॉसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो डेफिनेटली बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और ये रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होगी, इसमें हीट एनर्जी रिलीज होगी, राइट। तो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो हम प्लस हीट लिखेंगे, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। एक्सो एग्जिट, हीट एनर्जी बाहर हो रही है, राइट। और लास्ट वन फिफ्थ पॉइंट में ही है ये, इट इज इंक्लूडेड इन फिफ्थ पॉइंट ओनली। एक्सोथर्मिक लिखा तो अभी डेफिनेटली हम एंडोथर्मिक लिखेंगे, तो लिखेंगे ऐसा कि इफ हीट इज गिवन टू रिएक्टेंट्स, इफ हीट इज गिवन टू रिएक्टेंट्स देन इट इज डिनोटेड बाय, देन इट इज डिनोटेड बाय प्लस हीट on left side of arrow, that is endothermic reaction। क्या बोलेंगे इसको, endothermic reaction। समझो मेरे पास है calcium carbonate CaCO3, उसको अगर मैं heat energy दूंगा तो डेफिनेटली वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट इज अ स्टोन सॉलिड, हीट एनर्जी, ये कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, क्विक लाइम, राइट, इट इज अ क्विक लाइम। तो क्विक लाइम बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, वो रिलीज हो जाएगा, राइट। तो इसमें हमने हीट एनर्जी दी है सब्सटेंस को, वी हैव प्रोवाइडेड हीट एनर्जी टू द सब्सटेंस, सो इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, एंडोथर्मिक, मतलब हमें हीट एनर्जी देनी पड़ती है, राइट। तो आपको मालूम है कि डाइजेशन, आपके बॉडी में डाइजेशन, जब फूड का डाइजेशन होता है तो एनर्जी मिलती है हमें, तो
So digestion of a food is an endothermic reaction. We are getting energy by digestion of food. और रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है. आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. मतलब वो क्या करता है, जब जरूरत पड़ती है तब एनर्जी को रिलीज कर देता है, राइट. तो हमेशा याद रखो, इट इज अ कनेक्शन बिटवीन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. सो इट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री. की डाइजेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, राइट. तो मैं ओनली फॉर इंफॉर्मेशन लिख देता हूं यहां पे कि ये जो डाइजेशन है, डाइजेशन वो है एंडोथर्मिक प्रोसेस या फिर रिएक्शन, और ये जो रेस्पिरेशन है इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस या फिर रिएक्शन. ओके, तो इट इज ओनली फॉर रिमेंबर फॉर योर नॉलेज, ओनली टू रिमेंबर. एग्जाम में आ सकता है वन मार्कर में. ये तो हमने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक डिस्कस किया, इसीलिए मैंने आपको मेंशन कर दिया. सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ कैन वी मेक केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव. अगर कोई बंदा ये देखेगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई हीट दी है, एंडोथर्मिक है. ये देखेगा तो समझ में आ जाएगा कि हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक है, राइट. तो पांच पॉइंट मैंने लिखे, पांच पॉइंट आई हैव रिटन फाइव पॉइंट. आप ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, राइट. लेकिन एग्जाम में तो टाइम का पाबंदी होता है, आपको तीन घंटे के ज्यादा तो, तीन घंटे से ज्यादा तो नहीं मिलेगा. तो आपको टाइम के हिसाब से प्रोफेशनल पेपर लिखना है. ऐसा नहीं कि दो मार्क में आप 20 एग्जाम्पल दे दो, ऐसा नहीं करेंगे हम कभी. और तीन मार्क, चार मार्क का है और एक ही एग्जाम्पल दिया, इसको बैलेंस्ड पेपर नहीं बोलते. तो यू हैव टू बी प्रोफेशनल वाइल राइटिंग योर आंसर शीट इन द एग्जामिनेशन, एज यू हैव द टाइम लिमिटेशन ओनली फॉर 3 आवर्स. तो जस्ट राइट योर पेपर प्रोफेशनली. दैट्स ऑल. How can we make chemical reaction more informative? तो ये मैंने आपको पूरा explain कर दिया. Okay. So now we will moving towards the next topic, that is combination reaction. Next topic is what? Combination reaction. नाम से ही पता चल जाएगा आपको कि combination. हमें दो तीन चार पांच substance को combined करना है और सामने कुछ नया सब्सटेंस बनेगा, तो वो रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो आवर न्यू टॉपिक ऑफ डिस्कशन दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ये एग्जाम में 3 मार्क्स में आ सकता है. इट इज अ वेरी गुड एंड वेरी इजी क्वेश्चन एट ऑल. एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन बाय गिविंग एग्जाम्पल. बहुत छोटा आंसर है और दो तीन इक्वेशन आपको एक्सप्लेन करना है, दैट्स ऑल. कुछ है नहीं इसमें. तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, मैंने पहले ही आपको बोला था कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड विद ईच अदर एंड दे आर मेकिंग अ सिंगल सब्सटेंस, then it is called combination reaction. तो पहले हम लिखेंगे उसकी definition. क्या है definition? When two or more substances are combined with two or more substances are combined with each other and make a new substance, then it is called a combination. It is called a combination reaction, right? फिर से एक बार पढ़ो डेफिनेशन. व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड विद ईच अदर
एंड मेक अ न्यू सब्सटेंस, सिंगल सब्सटेंस बनाएगा. तो पहला एग्जाम्पल वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल बाय स्लेट लाइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मेन एग्जाम्पल व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल बाय स्लेकेड लाइम. स्लेकेड लाइम क्या होता है? स्लेकेड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो वो कैसे बनेगा? देखो वो कैसे बनेगा. तो समझो आपके पास क्विक लाइम है. व्हाट यू हैव? क्विक लाइम. और आप उसको पानी में डालोगे तो क्या बन जाएगा? स्लेक लाइम, CaOH ट्वाइस, और वो होता है एक्वियस. अगर आप पानी में क्विक लाइम डालोगे ना तो पानी बॉयल करेगा, बॉयल करने लगेगा. आप उसके अंदर उंगली डालोगे तो आपको मतलब थोड़ा बहुत गर्मी लगेगी, जल जाएगी. जल तो नहीं जाएगी लेकिन इट विल क्रिएट सम सेंसेशनल इफेक्ट ऑन योर स्किन. तो व्हाट वी हैव? क्विक लाइम, CaO सॉलिड. आप उसको पानी में डालते हो, पानी इज द लिक्विड, तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनेगा एंड हीट रिलीज होगी. फिर हम ये स्लेकेड लाइम इसको हम अप्लाई करेंगे वॉल के ऊपर, राइट? तो ये रिएक्शन बैलेंस ही है. एक कैल्शियम, दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन. रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. अभी आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो तो सॉल्यूशन है, तो वो वॉल के ऊपर टिका कैसे रहेगा? हाउ इट विल फिक्स ऑन द वॉल? तो आफ्टर अप्लाइंग CaOH ट्वाइस व्हाट टेक्स प्लेस, व्हाट हैपेंस, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. समझो आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वॉल के ऊपर अप्लाई किया, बराबर? तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमोस्फियर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा. किसके साथ रिएक्शन करेगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. एंड इट विल मेक CaCO3. क्या बनाएगा ये? CaCO3. और पानी को एटमोस्फियर में रिलीज कर देगा. रिलीज कर देगा तो हम जी भी लिख सकते हैं क्योंकि पानी तो एटमोस्फियर में चला जाएगा, राइट? तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमोस्फियर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिलीज करके क्या बना देगा? CaCO3 तो सॉलिड होता है तो अभी वो चिपक जाएगा, राइट? तो हम अप्लाई करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन और लगाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो रिएक्शन करके क्या बना देगा? CaCO3. तो CaCO3 लग जाएगा, फिक्स हो जाएगा वॉल के ऊपर, राइट? फिर निकलेगा नहीं. अगर आप निकालोगे प्रेशर करके तो निकलेगा, एटमोस्फियर में पानी चला जाएगा, राइट? ये भी रिएक्शन बैलेंस है. एक कैल्शियम, 3+1 चार ऑक्सीजन, 2+2 चार ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन, राइट? तो ये हुआ. नाउ सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड एग्जाम्पल में दे रहा हूं, कंबशन ऑफ कोल इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आगे लिखा था एग्जाम्पल, आगे ही कार्बन, कोल मतलब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तभी कंबशन होगा. क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड. और उसमें क्या होगी? हीट एनर्जी रिलीज होगी. तो ये दोनों कंबाइंड होंगे तभी ये बनेगा. ये दोनों कंबाइंड हुए तभी ये बना, राइट? तो इसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एक अच्छी लाइन में लिख रहा हूं, ऑलमोस्ट, बराबर याद रखना, ऑलमोस्ट ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. क्या लिखा है मैंने? ऑलमोस्ट ऑल द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर व्हाट? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ऑलमोस्ट सभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन ही होती है. तो इसका भी मैं एग्जांपल दे दूं. समझो आपके पास मैग्नीशियम है और एटमोस्फियर के एयर के साथ उसका आप कॉम्बिनेशन कर रहे हो. और आप ऐसा लिख सकती हो कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन
वेन मैग्नीशियम रिबन ऐसी स्ट्रिप होती है, अब उसको जलाओ लाइटर के साथ या फिर स्पिरिट लैम्प के ऊपर या फिर मोमबत्ती के ऊपर, कैंडल के ऊपर ऐसे आप जलाओ, तो इट विल गिव लाइट, डिफ्लैग्रेटिंग लाइट। डिफ्लैग्रेटिंग मतलब जो डिस्को में होती है ना, आप आंखें बंद हो जाएगी, इतनी ज्यादा लाइट आएगी। और वाइट पाउडर बनेगा, वो वाइट पाउडर को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वाइट पाउडर को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बहुत सारे स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट भी करवाते हैं, एक मैग्नीशियम रिबन फिर आप उसको स्टैंड में डालो या फिर आप उसको पकड़ो, हाथ से नहीं पकड़ना है राइट, इंस्ट्रूमेंट से पकड़ना है, एंड फिर आप उसको दूर रख के स्पिरिट लैम्प के ऊपर रखो, तो वो अचानक, वो दिवाली में आप पेंसिल जलाते हो, पेंसिल फिर थ्रेड होती है, स्ट्रिंग ऐसी जलाते हो पकड़ के, तो कैसी लाइट आती है राइट, तो ऐसी लाइट बाहर आएगी, उसको बोलते हैं डिफ्लैग्रेटिंग लाइट। कैसी लाइट, डिफ्लैग्रेटिंग लाइट। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो नया सब्सटेंस बना राइट, तो हम उसको बैलेंस करेंगे, दो ऑक्सीजन है तो दो ऑक्सीजन, दो मैग्नीशियम तो दो मैग्नीशियम, तो ये भी इक्वेशन हो गया कॉम्बिनेशन। ऑलमोस्ट ऑल द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड द लास्ट पॉइंट, व्हेन हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस आर कंबाइंड विद ईच अदर देन वाटर इज फॉर्म्ड इन लिक्विड फॉर्म। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस कंबाइंड होंगे तो पानी बनेगा राइट, H2O विल बी फॉर्म्ड इन लिक्विड फॉर्म। तो दो ऑक्सीजन तो दो ऑक्सीजन, चार हाइड्रोजन तो चार हाइड्रोजन। तो ये पूरा मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम में लिखो, 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 3 out of 3 राइट। ये इसके नीचे आपको एक लाइन लिखनी है, यू कैन राइट इजिली, क्या लिखोगे, व्हेन डायहाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद डायऑक्सीजन गैस देन वाटर इज फॉर्म्ड इन लिक्विड फॉर्म, हो गया ना। फिर ये कॉम्बिनेशन में ऑक्सीडेशन वाला एग्जांपल, फिर ये कंबशन वाला एग्जांपल, फिर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल, क्विक लाइम को पानी के साथ रिएक्शन करो, स्लेकेड लाइम बनेगा, स्लेकेड लाइम बनेगा, स्लेकेड लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट वो चिपक जाएगा वॉल के ऊपर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन राइट। तो अभी हमारे पास एक दो दो और चार चार टॉपिक बाकी है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड फिर हम करेंगे कोरोजन, रेंसिडिटी, रेडॉक्स रिएक्शन राइट, एंड लास्ट में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इतने टॉपिक हमारे बाकी है, वीडियो आते जाएंगे आपको राइट, रिवाइज करो, फॉर्मूला प्रिपेयर करो, जितना भी करवाए उसको बार बार रिवाइज करते रहो, तो आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो आई एम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय माय लेक्चर।